नमस्कार साथियों, मेरा नाम हरिशंकर है और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल डोजो स्किल। आज के इस वीडियो में हम आपको लीन मैन्युफैक्चरिंग के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक 3M के बारे में बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा उन सभी साथियों से अनुरोध है जो कि मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उन सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आखिर 3M का कंसेप्ट आया कहां से? टोयोटा ने अपने प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर पाया कि लीन मैन्युफैक्चरिंग के तीन ही एनिमी हैं। तीन एनिमी मतलब तीन शत्रु हैं जो कि उनकी क्वालिटी को और उनकी प्रोडक्टिविटी को बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो उन तीन का नाम है 3M इज इक्वल, एक पाया मुरा और तीसरा है मूरी। मुदा, अगर मुदा होता क्या है आइए बताते हैं। मुदा किसी भी कार्य का वो एनवीए पोर्शन है, मुदा किसी भी कार्य का वो एनवीए पोर्शन है जिसको हटाने से किसी भी प्रकार का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ये टोटली यूजलेस होता है। मुदा मतलब वेस्ट मतलब बेकार। वो सभी कार्य, वो सभी एक्टिविटीयां जो कि हमारे किसी पार्ट्स के अंदर किसी प्रकार की कोई वो कॉस्ट ऐड नहीं कर रहे हैं, उनको हम मुदा बोलते हैं। ये मैं आपको पिछले एक वीडियो में बता चुका हूं कि मुदा होते क्या है, जिनको हम TIMWOODT वुड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, सबकी समझ में आ गया अगर होता क्या है। ठीक है, अब हम दूसरा टॉपिक देंगे। दूसरा है मुरा। मुरा बोलने में आता है अनइवननेस, उसको कहते हैं अनइवननेस, मतलब जो समांतर ना हो, जो जिसमें असमता हो, डिसबैलेंस, उसको ही हम मुरा बोलते हैं। यह मशीन के अंदर भी पाया जा सकता है, यह किसी प्रोसेस टू प्रोसेस वैरी करता है, मैन टू मैन पावर भी वैरी करता है, प्रोसेस टू प्रोसेस। नंबर दो, ये मैन पावर टू मैन पावर भी वेरी करता है। इसी को, इसके अंदर होता क्या है कि सपोज कीजिए कि एक मशीन तो बहुत ज्यादा काम कर रही है उसको, और लेकिन दूसरी वाली उसको बिल्कुल कम काम कर रही है, तो इसी को हम बोलते हैं। सपोज करो एक मैन पावर ने 20 सेकंड काम कर रहा है और दूसरा उसी को 5 सेकंड काम कर रहा है, तो ये दोनों में असमानता है, इसी को मुरा और अनइवननेस बोलते हैं। ठीक है भाई, सबके समझ में आ गया कि अनइवननेस कहते क्या है। और तीसरा है दोस्तों मूरी बोले तो ओवर बर्डन, इसी को कहते हैं ओवरबर्डन, मतलब किसी के ऊपर भी एक बोझ रख देना उसकी। अगर किसी की मेरी 95% इफिशियंसी है, अगर मेरी किसी भी चीज की 95 इफिशियंसी है तो इसका मतलब सही है, बट अगर मैं किसी मशीन को 100 और कभी कहूं 110% लाए तो कभी ना कभी वह मशीन भी खराब हो जाएगी। ठीक है, सबकी समझ में आया कि आखिर ओवरबर्डन क्या है। अब ओवरबर्डन को मैं मेन पावर के टर्म में समझाता हूं कि अगर मेरा एक मेन पावर, सपोज करो मेरा एक प्रोसेस है, प्रोसेस वन, इस प्रोसेस वन में क्या है कि एक एक्स वाई जेड कोई मेन पावर लगी हुई है जो कि
सब काम कर, प्रोसेस एक पे भी काम कर लेती है, प्रोसेस दो पे भी काम कर लेती है, प्रोसेस तीन पे भी काम कर लेती है। अब मैं क्या करता हूं, जब भी मुझे ओवर टाइम लगाने का काम है, जब भी मेरा एक्स्ट्रा वर्किंग का काम आया, ये एक्स्ट्रा वर्किंग आखिर लगेगी कैसे? एक्स्ट्रा वर्किंग मेरी वेस्ट की वजह से लगेगी, मेरी अनेवरनेस की वजह से लगेगी, मूढ़ा की वजह से लगेगी मेरे। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ इसी मैन पावर को बार 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 यहाँ पे कि भाई आज तू रुक जा, फिर आज तू रुक जा, आज भी रुक जा, तो होगा क्या, वो एक दिन उसका शरीर स्ट्रेस में आ जाएगा और वह थक जाएगा। उसी को ओवरबर्डन कहते हैं। यही है मेरा दोस्तों ओवरबर्डन। अब इसको हम हटा कैसे सकते हैं? मुदा को सबसे पहले आप अपने कार्य में होने वाले आइडेंटिफाइड कीजिए, आइडेंटिफाइड द वेस्ट। आप अपने कार्य में आने वाले सभी वेस्ट को आइडेंटिफाइड कीजिए, उनके ऊपर काइजन कीजिए और उनको एलिमिनेट कीजिए। तो आपका मुद्दा खत्म हो जाएगा आपने। ठीक है भाई, सबकी समझ में आ गया। अब मैं बात करूंगा मुरा की। मुरा को मैंने बताया था अनइवननेस, 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 असंगत, असमता, असमता, असमता कैसे। अब मैं इसको कैसे करूंगा, इसके लिए सबसे पहले मैं साइकिल टाइम स्टडी करूंगा। ठीक है जी, सबके समझ में आ रहा है कि सबसे पहले मैं इसको करने के लिए साइकिल टाइम स्टडी करूंगा, प्रोसेस वाइज साइकिल टाइम स्टडी। उसके बाद सपोज करो प्रोसेस वन, प्रोसेस टू, प्रोसेस थ्री, एक का 20 सेकंड है, एक का 10 सेकंड है, एक का 25 सेकंड है। तो अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा, पहले तो इस 25 सेकंड वाले का निकाल के या तो यहां डाला जाए या यहां पे किया जाए या कहां पे किया जाए। तो हमें इन तीनों को कुछ इस तरह से कर देना है कि सपोज करो मैंने 25 को निकाला और यहां पे 15 किया, तो यहां पे दोस्तों 20 रह जाएगा और यहां पे 20 ऑलरेडी है। अभी भी मेरा ये बराबर नहीं है, लेकिन क्या हम कुछ ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं? कुछ हमें देखना पड़ेगा कि क्या हम इनमें से कुछ निकाल इधर या एक दो सेकंड हम इधर कर सकते हैं। तो इसको साइकिल टाइम स्टडी को ये काइजन के द्वारा की जा सकती है। और दोस्तों तीसरा है मुरी। मुरी मतलब ओवरबर्डन, ओवरबर्डन। इसके अंदर दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपल सा है, हमें पहले लोगों को मल्टी स्किल करना पड़ेगा। पहले आइडेंटिफाइड करेंगे हम लोगों को, उसके बाद हम उन्हें मल्टी स्किल करेंगे कि हाँ मेरा ऑपरेटर वन, ऑपरेटर टू, ऑपरेटर थ्री, ऑपरेटर फोर, ये सारी जगह पे काम कर सकता हो। मुझे कुछ ऐसा है कि मेरा ऑपरेटर वन प्रोसेस वन पे भी काम कर सकता है, प्रोसेस टू पे भी, प्रोसेस थ्री पे भी, प्रोसेस फोर पे भी। ऐसे ही मुझे फिर इनको भी करना पड़ेगा सेम। अगर नहीं कर पा रहा है तो मुझे उसका एक प्लान बनाना पड़ेगा ताकि वो हो जाए। ठीक है मैं दोस्तों, अब सबकी समझ में आ गया कि आखिर होता क्या है। तो अगेन एक बार मैं दोबारा इसको ब्रीफ में कर देता हूं कि ये क्या है। ठीक है, थ्री जैपनीज वर्ड से बना हुआ है, तीन जापानी वर्डों से बना हुआ है, जो कि है मुदा, मुरा और मुरी। मुदा मतलब वेस्ट,
मुरा मतलब अनेवरनेस, और तीसरा है मेरा ओवर बर्डन। ठीक है दोस्त, ये किसने पाया? ये सबसे पहले टोयोटा कंपनी ने किया। किसके अंदर किया? टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर पाया कि इसको करने से ये होगा। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं एक बार मैं आपको लास्ट में बेनिफिट्स और बता देता हूं। बेनिफिट्स ऑफ 3M, नंबर एक, मेरी जितने भी वेस्ट हैं, चाहे जो भी कि हमने बताया था टीम वुड, वो कम हो जाएंगी। नंबर दो, मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, मेरी क्वालिटी इंप्रूव होगी। ठीक है जी, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। ठीक है जी, यही है मेरा आज का टॉपिक। तो जिन भाइयों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी उन सभी से अनुरोध है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। Oh.